अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज तकरीबन एक हफ्ता ही होने वाला है, तो काफी दिन हो गए मैंने व्लॉग नहीं किया, तो आज मैं व्लॉग करने वाला हूँ। तो आज है जुम्मा जी, तो अभी मैं उठा हूँ तो नाश्ता वगैरह किया, तो मैंने सोचा आज व्लॉग शुरू करें। तो अभी हमारा फिलहाल कोई प्रोग्राम तो नहीं है कहीं जाने का, मैं कोशिश करूंगा कि मनोहर भाई से प्रोग्राम बनाऊं और जाए हम गाँव में शूटिंग के लिए, गन शूटिंग के लिए। तो अभी प्रोग्राम हमारा बनानी है, अभी कोशिश करेंगे मैं मनोहर भाई को बनाऊंगा फिर प्रोग्राम करेंगे। तो इतने दिन मैंने व्लॉग क्यों नहीं किया, तो इतने दिन मैंने व्लॉग इसलिए नहीं किया, मेरा गला जो है खराब था, तो मैंने जितना मेरे से जोर लगा मैंने कोशिश किया कि व्लॉग बनाऊं, लेकिन गला एक हद तक खराब हो गया था। रात में मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, अपने आप को रेस्ट देते हैं, कहीं ये बीमारी ना हो जो व्लॉग बनाता बनाता। तो फिर अभी भी मेरा गला ठीक है, थोड़ी सी रेशा है, तो यहाँ से थोड़ा सा दर्द भी कर रहा था रात को, तो अभी थोड़ा सा है लेकिन ठीक है, अलग है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जी मैं दाने बनने मट्टे से, तो आटा खत्म हुआ है घर का, तो पहले मैं दाने भर लूँ क्योंकि आज जुम्मा है, आज नहा के कपड़े भी बदलने, तो ये कपड़े गंदे भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। तो अभी मैं मट्टे से दाने भर लूँ, भर के फिर इंशाल्लाह वो देते हैं, तो फिर जुम्मे की तैयारी करते हैं, फिर जुम्मा पढ़ते हैं, फिर जुम्मे के बाद फिर मतलब भाई से प्लान करते हैं और इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि जाएँ हम गाँव और वहाँ जाके शूटिंग रेंज अपनी बनाएँ। और मेरे पास जो है वो छल्ले जो थे वो तो पड़े हुए थे, आपने मेरा वियर्ड फूड चैलेंज जो है वो देखा होगा शायद कि नहीं, तो उसमें हमने इस्तेमाल किया था, तो वो डब्बी मेरे पास वैसे की वैसी पड़ी थी, तो आज मैं सोच रहा हूँ वो इस्तेमाल करते हैं, अगर नहीं जाओ तो फिर कुछ और काम कर लेंगे। तो गाड़ी हमारी काफ़ी ज़्यादा गंदी भी पड़ी है, तो मैंने सोचा वो निकाल के साफ ही कर लूँ, काफ़ी ज़्यादा यहाँ से गंदी हुई है, तो इसे निकाल के साफ कर लेते हैं पहले। तो गाड़ी बिल्कुल साफ हो गई है, सिर्फ ये जो रिम है इसके ये रह गए धोने वाले, तो ये मैं नहीं दूंगा, तो काफ़ी ज़्यादा पानी इस्तेमाल हो गया इसलिए मैं इसे नहीं दूंगा, बाकी गाड़ी सारी साफ होगी। अभी देखने में बच चुके हैं दो, तो ना आके मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं और हमारी गाड़ी भी बिल्कुल साफ वगैरह हो गई है, तो अभी खाना खाते हैं, तो फिर हमारा इंशाल्लाह गांव जाने का प्रोग्राम है। तो अभी खाने लगे खाना, तो घर क्या पकाया आज? तो आज हमारे घर पकी है जी कढ़ाई, अभी तकरीबन 3 बज चुके हैं, तो हम जाने लगे हैं गांव। ये शूज मैंने स्कर्दू से लिए थे, जब से स्कर्दू से आया हूँ तो ये पहने नहीं है, तो मैं आज पहनने लगा हूँ कि ये मैंने कहा खराब भी ना हो जाए बड़े बड़े, तो आज इन्हें पहनते हैं। तो शूज मैंने पहन लिए, तो अभी जाते हैं गांव। तो हम जी गांव आ गए हैं, तो मेरे साथ मलक मोहसन है, साहब भाई हैं और मुजम्मल है, और घर निकाल रहे हैं अभी, और अभी घर ना निकालो यार, सिनेमैटिक शॉट बनाना था। जी अपने खेतों पे आए हुए थे, तो हमारे खेत इधर हैं, ये साथ ही कमाल लगा हुआ है यहाँ पे, तो इस साइड पे जो बाग लगा हुआ है वो माल्टो का बाग लगा है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे अमरूद लगे हुए हैं, तो मैं तोड़ूंगा नहीं, वहाँ पे कोई है नहीं जिससे ज्यादा लेके सके, तो मतलब मलक साहब अभी निशाने वगैरह लगा रहे हैं। तो ये जी अमरूदों का बाग है, तो इस साइड पे हमारा आगे हमारे आम लगे हुआ दरख्त, वो दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे वो तोता बैठा हुआ है, तो कैमरे पे पता नहीं नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मलक साहब पता नहीं अभी निशाना लगा रहे हैं, और ना लगाई यार, मलक साहब का वैसे निशाना है नहीं है लेकिन लग रहा नहीं। तो ये यहाँ पे माल्टे लगे हुए हैं, तो ये सारे माल्टे लगे हुए हैं, ये सारा माल्टों का बाग है। तो अभी हम जी यहाँ पे निशाने लगाने लगे, मैं बोतलें साथ लेके आया था अपने, तो 3 बोतलें साथ, तो अभी पानी यहाँ से बड़ा नहीं है, नलका खराब है यहाँ पे, तो अभी इन्हें वैसे रखते हैं और देखते हैं कौन निशाने ज्यादा लगाते हैं। वैसे मुजम्मल भाई जो है निशाने ज्यादा अच्छे लगाते हैं, लेकिन मलक साहब भी है, ये भी देखते हैं कैसा निशाना है, और साहब भाई आता निशाना लगाने, तो ये कह तो रहे अभी देखते हैं, चेक कर लेते हैं अभी साहब को, चलो भी। तो यहाँ पे भी अमरूद वगैरह लगे हुए हैं, तो हम तोड़ नहीं रहे यहाँ पे कोई भी अमरूद, क्योंकि यहाँ पे बंदा कोई नहीं है जिससे ज्यादा ले सके। तो अभी मुदम्मल भाई निशाना लगाने लगे हैं, तो वो सामने बोतल पड़ी है, देखते हैं मुदम्मल भाई लगाते हैं कि नहीं लगाते, चले 1 2 3 ओ खैर,
निशाना लग गया। तो अभी साहब भाई लगाने लगे हैं, देखते लगता कि नहीं लगता साहब भाई। मिस कर दिया, मलक पे दिया। तो अभी मलक जो है मौसम वो लगाने मलक लग जाएगा निशाना। ट्राई है, चल लगा चेक कर। मिस कर दिया, मिस कर दिया। तो अभी मैं लगाने लगा निशाना, तो मुदम्मल भाई ने तो लगा लिया। मेरा वो मुदम्मल भाई का मुकाबला पड़ गया, अरे मुझे लग नहीं रहा मेरा लगेगा। मुदम्मल तो लगा गया, मुदम्मल प्राण देती है। अभी मुदम्मल ने मलक साहब को बता तो दिया कैसे दिखाना, आप देखते हैं मलक साहब लगाते हैं निशाना के निशाना जिससे हम अपना स्टेबल है पूरा मतलब खड़ा ही स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। ओ इतनी दूर, ओ इतनी दूर, हमने लगा लिए हैं तो कोई भी इतना खास हमारा निशाना लगा नहीं है। और साहब भाई का तो बिल्कुल भी नहीं लगा, तो लगा मुदम्मल ने लगे सिर्फ नहीं मेरे लगा किधर लगा और शुरू शुरू देख लगा नेड़ो करके लाया। तो मेरा एक निशाना लगा लेकिन मुदम्मल भाई के दो लगे। अभी मैं इन्हें दिखाऊंगा हमारे यहाँ पे खेत है आम लगे, तो वो दिखाते हैं। अभी हम जा रहे हैं जी अपने आम लगे हैं यहाँ पे, तो वो देखने के लिए। आम तो खैर मौसम नहीं है उनका, लेकिन हमारा दरख्त है तो वो देखने जा रहे हैं अभी। तो रास्ता कोई और जाता नहीं था, तो यही जा रहा है नाले में से। तो वहाँ पे जी कमाद की कटाई हो रही है, तो वो ट्राली वगैरह भर रहे हैं और लेके जाएंगे। तो ये जी हमारा आम लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये हमारे आम का दरख्त है। साहब भाई चढ़ना दरख्त पे, इजी है चढ़ना यहाँ पे। तो ये सारा आम का दरख्त है। तो किसी गर्मी में हम आए थे यहाँ पे, तो आम उतारने के लिए अभी आम लगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि सर्दियों को मौसम गर्मियों में लगते हैं आम। तो एक ये आम है, एक वो है, एक तकरीबन चार के पाँच आम है यहाँ पे। साहब का पूरा दिल कर रहा है कि यहाँ से कोई अमरूद तोड़ के खाए। है तो वैसे हमारे रिश्तेदारों के ये बाग, लेकिन मैंने साहब भाई को मना कर दिया। मैंने कहा नहीं इजाजत के बगैर खाना नहीं है, तो वो यहाँ पे है नहीं, तो हमने उनसे ज्यादा ली नहीं है। साहब भाई ने यहाँ से ज्यादा ली है एक लड़के थे, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना ही खाओ तो अच्छा है। वो भी बाग जो है वो भी हमारे रिश्तेदारों का आगे जो है। तो ये सारा ये अमरूद लगा हुआ है कच्चा। अभी हम जाने लगे जी वापस, चले मेरे पीछे ट्राली आ रही है, ऊपर नजर आ रहा है कि भी ट्राली है। हम आ गए अपने गांव की तरफ, तो ये पीछे हमारा गांव है, यहाँ पे शुरू हो गया। तो अभी हम गांव जा रहे हैं। ये सारे बच्चे कह रहे हैं, आपको दिखाते हैं बच्चे बिट्टी सिटो यार बच्चे जा रहे हैं जी वापस। तो मैं जैकेट नहीं साल लेके आया था, मुझे सर्दी लग रही थी, तो मैंने चलाने के लिए तो इन्होंने फिर भी जर्सी पहनी है, मैंने फिर भी नहीं पहना। फिर हम वापस जा रहे हैं, जो है वो बहुत तेजी से चले गए आगे, तो मेरे खुद चल रही है, वो जा रहे हैं।
अभी तकरीबन 5:30 हो गए हैं तो हम घर आ गए। तो मैंने आगे जैकेट वगैरह पहन लिया, सर्दी काफी ज्यादा हो गई थी रस्ते में, मैंने अभी जैकेट पहन लिया। तो अभी मैं ब्लॉग जो है वो एडिट करने लगा हूँ, अभी मैं ब्लॉग एडिट कर लूँ पहले। तो कैसे लगी जी आज वाली वीडियो, उम्मीद है आज वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।